हम लोग गंगा जी से हैं, हम लोग अमरोहा से हैं और गंगा जी का बहुत बड़ा क्षेत्र हमारे यहाँ से जी निकलता जी ठीक है। बात है। हमें लोग बाहर गंगावासी कह करके पुकारते हैं। आपने भी देखा होगा जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो मैं 2007 और 8 की बात कर रहा हूं, जिस समय आप ब्रजघाट को क्रॉस करते होंगे, दिल्ली जाते होंगे, उस समय गंगा जी की स्थिति क्या हुआ करती थी? ऐसा लगता था एक एक नाला जा रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा आप कह रहे हैं आज ऐसा कभी नहीं लगता था। सच, गंगा जी आज भी ऐसी लगती है बताइए, आज आज जो मानिए। स्थिति अभी है गंगा जी की, आप वहां आज घाट तो बने बहुत हैं। बेहतर स्थिति है। लोग आज गंगा जी आ रहे हैं। जिस समय मैं विधायक बना था 2017 में, मुश्किल से 1,000-1,200 लोग गंगा स्नान करने सामान्य दिनों में आते थे। लेकिन जब मैं 2022 की बात कर रहा हूं, उस समय लगभग 8 से 10 हजार गंगा जी पे स्नान करने वाले यात्री आते हैं सामान्य दिनों में। और जिस समय अमावस्या, पूर्णिमा या और कोई भी मेले की स्थिति हो, उस समय तो आप लोग जानते हैं पुष्कर जी, उस समय क्या स्थिति है। नहीं, लेकिन आज वो सामान्य दिनों बात का में, जवाब नहीं हुआ लेकिन विधायक ऐसा जी। है, सुनिए सामान्य दिनों में ब्रजघाट पे लगभग 10 हजार 12 हजार विधायक नित्य जी, प्रति इसका यात्री इसका आ रहा है। जवाब सफाई से नहीं है। वो गंगा पुष्पक जी जी की और स्थिति कमल बहुत जी, अच्छी है, तब है। पुष्पक जी और कमल जी, मैं दोनों लोगों को सिर्फ यही बात कहूंगा कि भाई आपकी पार्टी की जो पॉलिसी है, जो नीति है, जिस तरह से आपके यहाँ टिकट का वितरण होता है, वो अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग है। मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं है। पुष्पक जी, आप भी मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी के करीबी होने के नाते भी बहुत सारे संघर्ष और चुनौतियों का आप अक्सर सामना करते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी तरफ से तो देखिए, दोनों लोगों को यही सलाह है कि जो जनता के साथ रहेगा वही जो है देश पे राज करेगा, है ना? मेरा तो यही मानना है। और हम ये उम्मीद करेंगे कि नहीं, आप दोनों लोगों का जो भविष्य है राजनीतिक, हम लोग उसको बेहतर देखेंगे। आप लोग इंडिया न्यूज के मंच पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद।